सीरियल रिश्ता का कहलाता है कि कहानी में फाइनली बड़ा जनरेशन लीप आ गया है और इस बड़े जनरेशन लीप को लीड करती हुई अक्षरा दिखने वाली है जिसके किरदार को प्रणाली राठौर निभा रही है। तो इस जनरेशन लीप के बाद सीरियल के पुराने किरदार जैसे कार्तिक को लेकर क्या खबर आ रही है और सीरियल की स्टोरी लाइन को लेकर क्या खबर आ रही है उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल के रिसेंट एपिसोड में देखा ही होगा कि सीरियल का पहला एपिसोड इंट्रो वाला रहा जहां सीरियल के किरदारों को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया गया जिसमें सबसे अच्छा किरदार अक्षु का ही देखने को मिला। वहीं सीरियल में आरोही के किरदार थोड़ा डार्क साइड वाला देखने को मिला। सीरियल में वंश और कायरो के किरदार में भी नए एक्टर देखने को मिले। इन सब के बीच सीरियल को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ कि सीरियल में सीरत और कार्तिक के किरदार को सस्पेंस में रखकर सीरियल से हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के किरदार की तो डेड सीक्वेंस भी नहीं दिखाई गई है। ऐसे में क्या मेकर सीरियल में आगे चलकर कार्तिक के किरदार को सीरियल में फिर से लाते हैं या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं सीरियल में लास्ट में अभिमन्यु को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसमें सीरियल की कहानी में अभिमन्यु एक डॉक्टर नजर आ रहा है जिसने अक्षरा को पहले नजर में ही देख के पसंद कर लिया है। वहीं सीरियल में आरोही भी डॉक्टर है और उसका इंटरेस्ट अभिमन्यु को लेकर देखने को मिल रहा है। आपको सीरियल में अभिमन्यु के किरदार में हर्षद चोपड़ा कैसे लग रहे हैं कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ते का कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।